मर जाए तो बड़ी तकलीफ होती, भैया खत्म हो जाए तब भी बड़ी तकलीफ होती, भूमि पर कोई कब्जा कर ले तब भी कष्ट होता। और अगर हमसे पूछा जाए, माताओं माँ बाप अगर बूढ़े हों घर में तो खुद चारपाई पे पड़े हों और जवान बेटा मर जाए तो उससे बड़ी तकलीफ दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। लाला उन छाती से लगाए के मैया आने के बाद कही, बच्चा तेरे विछुड़न ओ मोहे जो दुख सो नहीं जा तू, रात दिनों जतरोंगी विन वचना के गाए। लाला बछरा विनायो गाय सुत विने माँ तयों भी लगाती है गोदी के जिन के सुत चले क्या बच सकती वो माँ ते। अरे ओ पूत जेठ लपट की आगे अरे बच्चा मुसीबत आखे न में खोली। अरे बचरा ए परवेशन के पीछे भी लगती मैया क्यों छोड़ी। रोई मैया, बाग के माली ने जवाब दियो, बहना जाए सर्प ने डसो है जाए ले जा। माली के गले में वाई डाल के बोली, अरे वीरन हमारे पेट में बड़ी आग हो बे तारा, जिसके चार बेटे हो और एक संसार को छोड़ के चला जाए तो माँ को बड़ी तकलीफ होती, इसके पांच छह बेटे हो और एक छोड़ के चला जाए तो बड़ी तकलीफ होती। आज महाराज तो पहले ही चले गए, मैया तारा मच्छा की लाश में मुंह धरे के बोली, अरे पूत कोई दूसरा नहीं है जिसकी कलाई पकड़े के जीवन काट दे। अरे बचरा
दुखिया मैया को बचा। अब कौन पे छोड़े जाते हो? अरे पूत, अरे धर्म के मल्ला बनिए तुम किसती मजधार रुवाते हो। आधी साड़ी को फाड़ के मैया तारा ने तब लाला की लाश पर कफन के रूप में डाली। दादा जहां एक लाश को उठाने के लिए चार कंधे लगते हैं, उस लाश को उठाने के लिए मैया स्वयं खड़ी है। लाश के चारों तरफ घूमती फिर बैठ जाती, फिर चलती फिर उठती फिर बैठ जाती, कभी बेहोश हो जाती, होश आता तो फिर रोती। भूखी हिरनी की तरह मैया चारों तरफ घूम रही, लाला के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहो। उधर वो बेटा बेटा होता है, बात कही मैया ने, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
कोई बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ। कहाँ तुम चले गए, तारा भागी। रात्रि का समय सा हुआ, राजा हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे मरघट पे। आवाज सुनी कानों में जब पहुंची, हरिश्चंद्र बोले कौन है, अरे कौन आया है, रात में भी नहीं सोने देते। मैया बोली मैं हूं महाराज। कौन? आपकी पत्नी हूं। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते। नहीं जानता? ये आपका बेटा, आप इसे तो जानते ही होंगे। मैं इसे भी नहीं जानता। बुजुर्गों बेटा बेटा होता है। पीठ फेर के राजा हरिश्चंद्र बड़े रोए। जब होश आयो, विचार किया अगर मैं टूट गया तो ये पत्नी बहुत कमजोर पड़ जाएगी, हमें खुद को संभालना है। राजा हरिश्चंद्र बोले कि चाहे कितना भी जतन कर लो, मैं बिना कर का टका लिए हुए लाश नहीं जलने दूंगा। महाराज कैसी बात करते हैं, अरे मैं आपकी पत्नी हूं और ये बेटा है आपका। हरिश्चंद्र बोले या रिश्ते मत निकालिए, अरे उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे गड़ा नहीं उठवाया था। बात तुम्हारा धर्म था राज, यहां हमारा धर्म है। कुछ भी करो। मैया बोली आप इतने दिन से पहरा लगा रहे हैं, हमारे करके टका के भूखे बैठे थे, कुछ भी समझो लेकिन लाश नहीं जलेगी। घुटनों में सर को लेके मैया बोली महाराज एक टका नहीं है मेरे पास, अब आप करके टका की बात करते हैं। नाथ समझने की कोशिश करिए। जब तारा रोई तो राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के फिर परेशान हुए। झुंझलाए के बोले देवी तू समझती क्या कि मैं नहीं मांग सकता कुछ। सुन ले, दो दिन चार दिन दस दिन चाहे कितनी भी यहां लाशें और आ जाएं, सबको जलाऊंगा लेकिन तेरे पुत्र को हाथ नहीं लगा सकता।